हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस काइंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउंस और प्रोनाउंस एंड ऑल्सो ज्वाइंस टू सेंटेंसेज टुगेदर। रिलेटिव प्रोनाउन वो है जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, उनके संबंध को बतलाता है एंड ऑल्सो ज्वाइंस और साथ साथ दो सेंटेंसों को भी एक साथ जोड़ता है। दिस इज द मैन हु हैज टेकन माई पेन, या वही व्यक्ति है जिसने मेरी कलम ली है। हु हियर हु इज नॉट इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट हियर हु इज यूज्ड हियर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। हियर दिस एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु हैज टेकन माई पेन, या वही आदमी है जो मेरी कलम ली है। दिस इज द बुक विच यू लाइक मोस्ट, या वही पुस्तक है जिसे तुम ज़्यादा पसंद करते हो। एज यू हैव फाइंड हियर हु एंड विच डू नॉट मीन एज एन इंट्रोगेटिव। हु और विच यहाँ इंट्रोगेटिव के रूप में माने नहीं रखता, बल्कि एक रिलेशन बताता है। इसको हिंदी में आप ऐसे जैसे या वही व्यक्ति है जिसने मेरी कलम ली है या जो मेरी कलम ली है। दिस इज द बुक विच यू लाइक मोस्ट, या वही पुस्तक है जिसे तुम ज़्यादा पसंद करते हो। एज यू नो हु इज जनरली यूज फॉर हुमेन एंड विच इज जनरली यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स। यू शुड ऑल्सो नो मोर अबाउट इट। अरे यू आओ तो किताब वो आता है। यू शुड ऑल्सो नो मोर अबाउट दिस रिलेटिव प्रोनाउंस। एक्सेप्ट हु एंड विच दैट इज ऑल्सो यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज ऑल्सो यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन एंड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन, एनिमल्स, birds and lifeless things. The dog that bites does not bark. The dog that bites does not bark. He that is down needs fear no fall. After interrogative pronouns who or what, interrogative pronoun who or what के बाद that का प्रयोग होता है। Who am I that should object? What is in that I do not know. After I have just told you this that you have to read more about relative pronouns in your higher classes. Our next kind you have written in your notebook, and that is reflexive pronouns. Reflexive pronouns, singular number pronouns which show self, and plural number pronouns which show selves is called reflexive pronouns. As here example, I myself, here I is referred to singular and self is added the form of I, my. Self is added to my and it becomes myself.
I have just read this book myself. If I can say I have just read this book myself. We have just read this book ourselves. You have done this work yourself. He has done this work himself. They have done this work themselves. She has done this work herself. It has done itself. Reflexive pronoun reflects. This word reflexive pronoun reflects to that subject used in the sentence. To that subject used in the sentence. I have done this work myself. Myself is referred to the subject I. Myself यहाँ पर I के रिफ्लेक्शन में ही आया हुआ है, यानी I से रिफ्लेक्स होकर के myself बन रहा है. मैं खुद ही इस कार्य को किया हूँ या मैं स्वयं ही इस कार्य को किया हूँ. एज वी यू फाइंड मोर अबाउट दिस एंड यू हैव जस्ट अंडरस्टूड सेल्फ रेफर्स टू सिंगुलर एंड SELVES सेल्फ रेफर टू प्लूरल. टुडे we end up our study here and again we meet.